दोस्तों, जब हम कभी इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिनमें ना जाने कितने खून खराबे, बलात्कार, धर्म परिवर्तन और एक छत्र राज की बात होती है, तब कुछ गिने चुने शासकों के नाम सामने आते हैं। ये शासक ऐसे थे जिन्होंने हर एक सीमा को पार करके जुर्म किए, और सिर्फ जुर्म ही नहीं किए बल्कि सत्ता के नशे में चूर होकर इन्होंने उन लोगों से भी गद्दारी की जिन्होंने इन शासकों को जन्म दिया। असल में दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। औरंगजेब का नाम सुनते ही आप सबकी आंखों के सामने इतिहास का वो दौर आ गया होगा जब औरंगजेब ने अपनी सेना के बल पर पूरे अखंड भारत में कोहराम मचा दिया था। लेकिन आज औरंगजेब के बारे में जानकारी कुछ ऐसी है जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। दोस्तों, औरंगजेब बाबर के खानदान का था। जी हाँ, वही बाबर जिसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उसके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब के पिता को बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह ये थी कि औरंगजेब के पिता एक युद्ध में हार गए थे, तो प्रतिद्वंदी सेना द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था और काफी कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें छुड़ाया गया। 2 साल बाद 1628 में जब शाहजहां को आगरा का सुल्तान घोषित किया गया, तो उस समय औरंगजेब काफी कम उम्र का था, लेकिन वो चाहता था कि आगरा का सुल्तान उसे बनाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। दोस्तों, औरंगजेब की कहानी की शुरुआत होती है एक घटना से जिसे इतिहासकारों द्वारा ही लिखा गया है। कहते हैं कि 1633 में जब एक बार आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया था, तो उससे प्रजा में भगदड़ मच गई थी। उस समय औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डालकर इन हाथियों से मुकाबला किया और उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया। ये देखकर उनके पिता बहुत खुश हुए और उसे सोने से तोला और उसे बहादुर की उपाधि दी। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा कि औरंगजेब ने कुछ ज्यादा ही बहादुरी वाला काम कर दिया है? दरअसल दोस्तों, औरंगजेब की ये बहादुरी का किस्सा कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है। उन्होंने औरंगजेब को इतना बहादुर और बुद्धिमान बता दिया है जितना वो शायद सपने में भी नहीं हो सकता था। जबकि पुराने इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब बचपन से ही शराब और अय्याशी जैसे बुरे कामों में पड़ गया था और ये हाथी की कहानी केवल एक झूठ है। कहते हैं कि औरंगजेब के कुछ इतिहासकार जो औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने इस बात को लिखा है कि औरंगजेब एक ऐसा राक्षस था जिसने अपनी बुरी नजर अपनी मां पर भी डाली थी। लेकिन इतिहासकार इन सब बातों को खुलकर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उस समय मुगल हो या फिर मंगोल, इनके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो सीधे उसे मौत नसीब होती थी। कहते हैं कि औरंगजेब की मां मुमताज की सिफारिश से औरंगजेब को डेक्कन का सूबेदार बना दिया गया। जब औरंगजेब को डेक्कन का सूबेदार बनाया गया, तो उस समय औरंगजेब की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। 1637 में औरंगजेब ने सव्वित की राजकुमारी दिलरस बानो बेगम से निकाह किया। ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी। औरंगजेब की ये शादी उसकी मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसका दिल अपनी ही बहन हुस्नारा बेगम पर आ गया और इनकी नजदीकियां इतनी बढ़ने लगी कि महल से लेकर आम जनता तक इनके इश्क के चर्चे हो गए थे। दोस्तों, कहते हैं कि हुस्नारा बेगम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब शाहजहां को अपने बेटे और बेटी की इस करतूत का पता चला, तो उसने हुस्नारा को समझाया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जवानी में कोई किसी की नहीं सुनता, बस जो उसे सही लगता है वही करता है। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक औरंगजेब को ये खबर मिली कि हुस्नारा जलकर मर गई है। ये बात औरंगजेब को हजम नहीं हुई। जब ये सारा हादसा हुआ, तो उस समय औरंगजेब किसी सिलसिले में देश के बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से वो मौके पर नहीं पहुंच पाया। करीब 3 हफ्ते बाद उसने महल में दाखिला लिया और शाहजहां से पूछा, तो शाहजहां और उसके साथ सबने यही कहा कि कमरे के चारों तरफ पर्दे में आग लगने की वजह से हुस्नारा की मौत हुई। लेकिन शायद सच कुछ और ही था। कई इतिहासकारों ने इस बात को भी कहा है कि हुस्नारा पर शाहजहां का दिल आ गया था और उसने हुस्नारा को औरंगजेब के साथ मिलने से मना किया था, लेकिन जब हुस्नारा नहीं मानी तो शाहजहां ने ही उसे मरवा दिया था। औरंगजेब ने जब अपने कुछ खुफिया लोगों से इस बात का पता लगाया, तब सच्चाई का पता चला था और यही वजह बाद में मुगलों के पारिवारिक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनी। औरंगजेब ने शाहजहां से इस मुद्दे पर काफी बहस की थी, जिससे गुस्से में आकर शाहजहां ने औरंगजेब को डेक्कन के
सूबेदारी के पद से हटा दिया था। और यही वो समय था जब मराठा सरकार ने औरंगजेब और पूरे मुगल साम्राज्य की नाक में दम करके रखा था। दोस्तों, औरंगजेब का मराठा राज्य पर अधिकार करने का एक सपना था। उसने ये बात अपने कई मित्रों और राजाओं से कही थी। और उसके मराठा पर राज करने की दो वजह थी। पहली तो ये कि उसने कई लड़ाइयों में देखा था और अपने कई मित्रों के मुंह से सुना था कि मराठा राजपूत बहुत बहादुर होते हैं। अगर दोस्ती करते हैं तो दोस्तों के लिए जान भी दे देते हैं, और अगर दुश्मनी कर लें तो दुश्मनों को ढूंढ कर मारते हैं। औरंगजेब जिस दिशा में भी मराठों का जिक्र करता था, उस तरफ से उसे सिर्फ मराठों की अच्छाई और बहादुरी के किस्से ही सुनने को मिलते थे। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो मराठों को हरा कर रहेगा, उसके लिए चाहे जितनी भी सेना लग जाए। और दूसरी बात जो उसने सुनी थी वो ये थी कि उसने हमेशा से सुना था कि राजपूत स्त्रियां जो होती हैं वो देखने में बहुत आकर्षक होती हैं। अगर कोई राजपूत स्त्रियों को देख ले तो मात्र एक झलक से ही वो उनका दीवाना हो जाता है। उसने सोच लिया था कि अपने हरम में वो राजपूत स्त्रियों को जरूर रखेगा, और इसलिए उसने कई बार मराठों से युद्ध करने की सोची, लेकिन हर बार उसका हर पैंतरा बेकार गया। इसके बाद आखिरी में औरंगजेब ने थकार कर मराठाओं को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन इस समय तक औरंगजेब ने लूटपाट करके काफी धन जमा कर लिया था और उसकी सेना भी काफी बड़ी हो गई थी। सेना और धन की वजह से औरंगजेब में काफी घमंड आ गया था। औरंगजेब ने अपनी ताकत का विस्तार करने के बाद सबसे पहले 1658 में अपने पिता यानी शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया और अपने बड़े भाई दारा शिकोह को झूठे विश्वासघात के मामले में फंसा कर मरवा दिया। अब औरंगजेब के रास्ते के दो बहुत बड़े कांटे निकल चुके थे, जिसके बाद उसने 1659 में दिल्ली की गद्दी को हड़प लिया और खुद का राज्य अभिषेक किया। दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए औरंगजेब ने इतनी मारकाट मचाई थी कि यमुना का पानी खून के कारण लाल दिखने लगा था। उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो जाता था वो उसे काट देता था। इस दौरान ना तो उसने किसी भी महिला पर रैम खाया और ना ही किसी बच्चे पर। दिल्ली दरबार की शाही महिलाओं को उसने पकड़वा कर एक बड़े कमरे में बंद करवा दिया था और महल के सारे आदमियों को मार डाला था। उसके बाद ही उसने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कहते हैं कि महल की शाही महिलाओं को वो हर रात बदल बदल कर अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करता था। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी को हथियाने के बाद औरंगजेब का घमंड दोगुना हो चुका था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो चुका था कि वो प्रजा को प्रजा नहीं समझता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद सन 1659 से 1707 तक उसने करीब हजारों मंदिरों को तोड़ा। पहले तो वो किसी खास धर्म पर कोई आपत्ति नहीं करता था, लेकिन दिल्ली पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब सब में यही ऐलान करता था कि इस्लाम ही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं। उसने ना जाने कितने लोगों को जबरदस्ती पकड़कर धर्म परिवर्तन करवाया, और जो धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता था उसे वो ऐसी मौत देता था जिसको जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसी समय सिखों के धर्म गुरु हरकृष्ण के बेटे तेग बहादुर सिंह ने औरंगजेब की इन बुरी नीतियों का विरोध भी किया, लेकिन औरंगजेब ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें ही इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कह दिया। गुरु तेग बहादुर सिंह ने इस्लाम को स्वीकारने का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें भी जेल में डलवा दिया और उन्हें जेल में इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस समय लोगों में औरंगजेब नाम का इतना भय था कि लोग कई कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कई बड़े हिंदू व्यापारी जो कि बहुत ही पैसे वाले थे, उनके लिए औरंगजेब ने ऐसा कानून बनाया था जिसके तहत उन्हें काफी ज्यादा कर देना पड़ता था। उसने ऐसा इसलिए किया जिससे शायद ये बड़े व्यापारी इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब ने 1689 में लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई थी। पाकिस्तान में औरंगजेब एक पीर था, लोग वहाँ पर औरंगजेब की इबादत करते हैं। अब पाकिस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, भारत में कई ऐसे नमूने हैं जो कि औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं। ऐसी वीडियोस कई बार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की मस्जिदों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में ये चीज लिखी हुई है कि औरंगजेब एक नेक दिल इंसान था जो अल्लाह का ही रूप था।
था जो कि इस पृथ्वी पर बुरे लोगों को खत्म करने के लिए आया था। अब आप मुझे बताएं कि एक व्यक्ति जो सिर्फ सत्ता के लालच में अपने सगे बड़े भाई का कत्ल करवा दे और अपने पिता को जेल में डलवा दे, क्या वो अच्छा हो सकता है? या फिर जो केवल इसलिए किसी राज्य पर आक्रमण करे क्योंकि वहां की स्त्रियां बहुत सुंदर हैं और आकर्षक हैं, क्या वो सुल्तान कहलाने के लायक है? या फिर वो सुल्तान जो कि हिंदू धर्म के मंदिरों को बार बार तोड़ने का आदेश देता है और उन्हें पूरा खंडहर कर देता है, क्या वो किसी भी तरह से अच्छा सुल्तान या राजा हो सकता है? सोचकर नीचे कमेंट जरूर करिएगा।